हेलो फ्रेंड्स, सील द क्रिएटर में आप सभी का स्वागत है। आज देखिए, आपके लिए एक और प्यारा सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस डिज़ाइन के लिए हमें 3 के मल्टीपल में कुंदे चाहिए, 3 3 3 3 3 ऐसे करके, और 2 कुंदे एक्स्ट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सीधी साइड है अपनी, ये हम बेस रो उतार रहे हैं, एक ये पूरी सीधी बनेगी। ये उल्टी साइड, ये उल्टी सिलाई, ये अपने डिजाइन की सिलाई है। अब हम अपना कलर लगाएंगे, उल्टी साइड से अपना कलर लगेगा इसमें। ये देखिए, अभी क्या करेंगे, एक फंदा उल्टा बना लिया हमने, ये एज स्टिच है, एक उल्टा बनाया और ऐसे धागा लपेटेंगे, एक उल्टा बनाएंगे और एक धागा लपेट लेंगे, एक उल्टा बनाएंगे और एक बार धागा लपेटेंगे, एक बार उल्टा बनाएंगे और एक बार धागा लपेटेंगे, एक बार उल्टा बनाएंगे और एक बार धागा लपेटेंगे, एक उल्टा बनाएंगे और एक बार धागा लपेटेंगे, एक बार उल्टा बनाएंगे और एक बार धागा लपेट लेंगे। ये देखिए, उल्टा बनाया, धागा लपेटा, उल्टा बनाया, धागा लपेटा, पूरी सिलाई ऐसे ही पूरी होगी। ये अब अपनी सीधी साइड है, ध्यान से देखिएगा, एस स्टिच हमने उतार लिया, इसे जाली वाले को छोड़ देंगे और इसे लंबा कर लेंगे, जाली वाले को छोड़ देंगे और इस कुंदे को लंबा कर लेंगे। अब इन तीनों को इधर ले लेंगे, इस वाली सिलाई पे धागा अपनी तरफ करेंगे, पहले कुंदे को उल्टा बनाएंगे, उतारेंगे नहीं, दूसरे कुंदे को लेंगे और उल्टा बनाएंगे, अब भी नहीं उतारेंगे, तीसरे कुंदे को लेंगे, इसे भी उल्टा बनाएंगे, अब इन तीनों को छोड़ देंगे। जाली वाला छोड़ दिया, इसको लंबा करेंगे, फिर जाली वाला छोड़ देंगे, इसे लंबा करेंगे, फिर जाली वाला छोड़ देंगे, इसे लंबा करेंगे। 3 कुंदे ले लिए हमने, इन तीनों कुंदों को इधर वाली सिलाई पे ले लेंगे, पहले कुंदे को उल्टा बनाएंगे, बिना छोड़े इसके अंदर से, इस वाले कुंदे के अंदर से लेके दूसरे वाला कुंदा भी उल्टा बना लेंगे, फिर अब भी नहीं छोड़ेंगे, इसी के अंदर से लेके तीसरे वाला कुंदा भी हम उल्टा बना लेंगे और अब इन तीनों को छोड़ देंगे। फिर जाली वाला उतारेंगे, इसे लंबा करेंगे, फिर जाली वाला उतारेंगे, दूसरे को लंबा करेंगे, जाली वाला छोड़ेंगे और तीसरे को भी लंबा करेंगे, फिर से इस सिलाई पे ले लेंगे और अब इसे उल्टा बनाएंगे, इसके बीच में से लेके दूसरे को भी उल्टा बनाएंगे, इसी के बीच में से लेके तीसरे को भी उल्टा बनाएंगे और अब इसे छोड़ देंगे। फिर से लेंगे, जाली उतार दी, इसे लंबा करेंगे, जाली उतारेंगे, इसे लंबा करेंगे, जाली उतारेंगे, इसे लंबा करेंगे, तीनों को लंबा करके इधर वाली सिलाई पे ले लेंगे, उल्टा बनाएंगे, एक बना लिया, दूसरा भी बनाएंगे, इसी के बीच में से लेके तीसरा भी बनाएंगे,
अब इन्हें छोड़ देंगे। पूरी सिलाई हमें ऐसे ही करनी है। अब उल्टी साइड पे आ गए। अब हम अपना जो हमने बेस कलर लगा रखा है वो लगाएंगे। इस डिज़ाइन में बेस कलर ज़्यादा लगेगा और बाकी कलर आप जितने भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। ये पूरी की पूरी उल्टी बनेगी। चौथी सिलाई ये पूरी सीधी बनेगी। निट करनी है पूरी की पूरी सिलाई। अभी हमारे डिजाइन की पांचवी सिलाई उल्टी साइड पूरी की पूरी उल्टी बनेगी। सिक्स्थ रो सीधी साइड ये पूरी की पूरी हमें सीधी बनानी है, निट करनी है। ये हम अपने बीच में जो गैप रखेंगे अपने डिजाइन के बीच में, ये हम वो सिलाइयाँ बना रहे हैं। आप इस गैप को बढ़ा या घटा सकते हैं। अब हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे। हम इस डिजाइन में जितने मर्जी चाहे कलर लगा सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। एक कुंदा बना लिया, एक और बना लेंगे। और अब एक बार धागा लपेटा और फिर उल्टा कुंदा बनाएंगे। ये देखिए अपनी यही छह सिलाइयाँ रिपीट करते करते अपना पैटर्न इतना सुंदर बन के आएगा। मैंने ये थोड़ा सा और बना लिया एक्स्ट्रा आपको दिखाने के लिए। दो सिलाई रेड से बनाई, फिर चार सिलाई हमने वाइट से बनाई, फिर दो सिलाई हमने येलो से बनाई डिजाइन वाली, और फिर हमने वाइट से बनाई चार सिलाई। अब हमने ग्रीन से बनाई है, अब हम वाइट से और चार सिलाई बना लेंगे। ऐसे ही करके आप जितने मर्जी चाहें उतने कलर लगा सकते हैं। डिज़ाइन की तो बस यही दो सिलाई हैं जो हमने बनाई हैं, बाकी तो ये हमारी उल्टी सीधी सिलाई हैं। इसे आप बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे डिज़ाइन पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।